शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 11। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 11। तब अम्मोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलात के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इसराइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इसराइल के सारे देश में दूत भेजेंगे और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाउल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और शाउल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था। और शाउल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इसराइल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाउल और शमूएल के पीछे न हो लेगा उनके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इसराइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30 लाख ठहरे और उन्होंने उन दूतों में से जो आए थे कहा, तुम गिलात में के याबेश के लोगों से यो कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने कहा, हम कल तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाउल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहां तक तीतर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाउल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। शाउल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा क्योंकि आज यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इसराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाउल को राजा बनाया और वही उन्होंने यहोवा को मेलबलि चढ़ाया और वही शाउल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया।